के 30 तारीख को बीच सड़क पर जटाशंकर चौधरी नामक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब उस वार्ड के कुछ सदस्य डहरिया साइड टावर पर आंदोलन कर रहे होते हैं तो पुलिस मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानियों पर झूठा आरोप लगाता है, मुकदमा दर्ज करता है, जो पुलिस प्रशासन को मिथिला स्टूडेंट यूनियन बड़े बड़े डंडे और रॉड लेकर मारने का काम करने के लिए आई थी, घेरने के लिए आई थी। FIR के खिलाफ MSU ने निकाला प्रतिकार मौन मार्च, दर्जनों सेनानी देने पहुंचे थे थाने में गिरफ्तारी। करपड़ी चौक से मुंह पर काला पट्टा बांधकर गिरफ्तारी देने लहरियासराय थाना पहुंचे सेनानी। जटाशंकर चौधरी हत्याकांड को लेकर पहले किया लाठीचार्ज, फिर हुआ FIR। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जटाशंकर चौधरी हत्याकांड को लेकर किए गए FIR के विरोध में MSU के दर्जनों सेनानी करपुड़ी चौक से लहरियासराय थाना तक पैदल मार्च निकाल अपनी गिरफ्तारी देने लहरियासराय थाने पर पहुंचे। इस बाबत MSU के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि दरभंगा शहर में अपराधी बेलगाम हो चुका है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, बीच सड़क पर पैसा छीन गोली से भून दिया जाता है, और जब लोग प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, न्याय की मांग करते हैं, तो पहले आवाज उठाने वालों को लाठियों से बुरी तरह से पीटा जाता है और फिर आंदोलन में नहीं शामिल लोगों का नाम FIR में डाल दिया जाता है ताकि न्याय की कोई कल्पना भी नहीं कर सके। हमारे 26 सेनानियों पर फर्जी FIR किया गया जो 30 मार्च को आंदोलन में किसी तरह से भी शामिल नहीं थे। आज इसी का विरोध करने के लिए हम लोग लहरियासराय थाने को गिरफ्तारी देने आए हैं। ये सारा मांग अभी हम थाना अध्यक्ष महोदय सर के पास कर रहे हैं, उनसे उम्मीद है जो यह FIR वो जरूर हटाएंगे और राजकुमार सिंह जी पे कार्रवाई। अगर FIR वापस ले लिया जाए तो आप लोग यहाँ से हट जाएंगे? जी, FIR वापस ले लिया जाएगा तो शांतिपुर, हम लोग तो प्रशासन से कंधा में कंधा मिला के काम करते हैं। शांति के पद पे जाइएगा तो ऐसे ही FIR होता रहता है, और इस FIR को जितने भी लोग इसमें शामिल नहीं थे, कहने का मतलब जितने भी FIR में नाम दिया गया 26 के 26 लोग वहाँ पर मौजूद नहीं, कोई भी वहाँ पर मौजूद थे क्या? नहीं। हम लोगों ने पूरा स्पष्टीकरण दिया है कि हमारे 3 जिला परिषद जो विभिन्न क्षेत्रों में थे, हमारे साथी जो कुशेश्वर स्थान में थे, हमारे साथी जो अंडा पोखर के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों पर FIR किया गया है। तो प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि वो जितने भी FIR गलत लोगों पर किया गया है, कहने का मतलब 2600 लोगों पर जो गलत FIR हुआ है उसको ये लोग वापस करेंगे। इसके लिए आज से 4 दिन के बाद 3 दिन के बाद एक मीटिंग रखा गया DSP के साथ, वहाँ पर हमारे 4 साथी जाकर वहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये सब चीज कोई भी घटना नहीं है। अगर किसी का हाथ भी गया होगा तो उसकी जांच होगी, अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस पर हम लोग अधिकतर अमल करेंगे, तो उनको निर्दोष ही रहेगा, निर्दोष होगा, निर्दोष रहेगा। दोषी के विषय में हम लोग सोचेंगे, निर्दोष के एकदम दिमाग में रखें कि निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सर, किसके दबाव में यह फायर किया गया है? अच्छा, इस पर बात कर ले, क्या होती है परिवार का लेकर घटनाक्रम की प्रक्रिया होती है, ऐसे कैसे हो जाएगा? हम लोग को भी पता लगना है कि यहाँ पर उसकी प्रक्रिया उसका परिवार का नहीं है, कोई ना कोई दिखाया होगा। अभी बातचीत हुआ है इनसे, इधर जिसे बातचीत हुआ है, फिर DSP साहब जब आते हैं 2-3 दिन के बाद फिर हम लोग। देखिए मेरे प्यारे साथियों, थाना अध्यक्ष महोदय का कहना यह है कि वह जो नाम दिया गया वो आनन फानन में हमने नाम लिया। मैंने इनसे बार बार कहा कि आप मुझे बताइए कि किस व्यक्ति के दबाव में आप आकर नाम दिए। इन्होंने कहा कि बार बार हम सब वो बात इन्होंने इस बात का अभी कोई स्पष्टता नहीं, पहले यह बात निर्धारित हो, दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि उस आदमी का नाम कैसे है? 24 के समर्थक सभी हथियार लेकर भीड़ में बनकर हमारे पास हमारे समक्ष प्रदर्शन कर रहे थे। अरे निकालिए अपना वीडियो फुटेज, निकालिए मोबाइल ट्रैकर, उस दिन आपने जितने लोगों पर FIR किया है, यदि उसमें से एक भी व्यक्ति दरभंगा में उस दिन मौजूद था तो हम सभी सामूहिक रूप से आज आपके समक्ष गिरफ्तारी देने आए हैं। आप हमें गिरफ्तार कीजिए, हमें हथकड़ी लगाइए, हमें अपने जेल में बंद कीजिए। मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार इस बात की आपके समक्ष घोषणा करता हूँ कि जब तक ये थाना अध्यक्ष महोदय हमें इस बात से आश्वस्त न करे कि यह FIR पूरी तरह साजिशाना है, फर्जी है, हम लोग तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, या फिर हमें अपने गिरफ्तारी में अपने कारागृह में हथकड़ी लगाकर हमें गिरफ्तार करें, गिरफ्तार देने के लिए। 30 तारीख को बीच सड़क पर जटाशंकर चौधरी नामक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब उस वार्ड के कुछ सदस्य डहरिया साइड टावर पर आंदोलन कर रहे होते हैं तो पुलिस मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानियों पर झूठा आरोप लगाता है, मुकदमा दर्ज करता है, जो पुलिस प्रशासन को मिथिला स्टूडेंट यूनियन बड़े बड़े डंडे और रॉड लेकर मारने का काम करने के लिए आई थी, घेरने के लिए आई थी।
मैं पूछना चाहता हूं मिथिला मीडिया और बंधुओं के माध्यम से, क्या मिथिला स्टूडेंट यूनियन कभी भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है? मिथिला स्टूडेंट यूनियन तो हमेशा से समाज के लिए, मिथिला जो आज पिछड़ा हुआ है, मिथिला जो आज अत्याचारों से भरा हुआ है, उसके लिए हमेशा संघर्ष करते हुए रोड पर दिखी है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।